take you over to the stage for the presentation of the final dance drama, Shiva the Shakti. Thank you. Messi International School प्रस्तुत करते हैं शिवा। जगत जननी जनक देव, द्वैत अद्वैत रूप, निर्गुण निर्द्वंद्व, सनातन परमात्म तत्व, शिव शिवा समान जैसे दो ज्योति एक प्रकाश, दो पुष्प एक सुरभि, दो ध्वनि पर एक नाद, आत्मा परमात्मा अद्वैत शिव शक्ति का, अपनी लीला से करे निर्माण सुंदर सृष्टि का, देख कौतुक शक्ति का मन में कभी शिव भी कहे, बिन शिवा शिव भी नहीं है विश्व शांति के लिए। Oh, my God.
हिंदुत्री कोई सामान्य कन्या नहीं, साक्षात जगत जननी तुम्हारे आंगन में आई है। पार्वती, गिरिजा, शैलजा आदि अनेक नामों से तीनों लोकों में वो विख्यात होगी। अपने कठोर तप से प्रत्यक्ष शिव को प्रसन्न करेगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। वर्षि के कथनानुसार पार्वती शिवानुरागी बन गई। प्रातः काल में शिव प्रतिमा की पूजा, दिव्य सखियों के साथ उन्हीं का गुणगान, सोते हुए उनका चिंतन और सपने में भी उन्हीं का साथ। Oh,
हर हर महादेव, जय शिव शंकर। गुरु राजा तारका सिंह के अत्याचारों से पृथ्वी को बचाने के लिए आप पार्वती का शिवजी से मिलना अत्यंत आवश्यक है। ये तो विधि का विधान है। पार्वती समेत अब शीघ्र प्रस्थान कर कैलाश की ओर। जय श्री नारायण नारायण।
सभी मानव अतिशय पीड़ित हैं, उनका दुख निवारण करना केवल शिवपुत्र के अधीन है। क्षमा करें भगवान, किंतु शिवजी तो धनस्थ हैं, ऐसे में उनका पुत्र और कोई स्नेह की कन्या भी है जो उनकी अर्धांगिनी बन सकी। कामदेव हिमालय पुत्र पार्वती बचपन से ही उनकी आराधना कर रही है और अब तो प्रत्यक्ष उनकी सेवा में लीन है। परंतु उस ध्यानस्थ योगेश्वर के मन में प्रेम का अंकुर तो तुम ही प्रज्वलित कर सकते हो ना। यदि विश्व मंगल का कोई कार्य मैं कर सकता हूं तो मैं और मेरे साथ रति सहज प्रस्तुत हूं। मन मत के संग मुझे भी आदेश है गुरुवर, अवश्य राज वसन तुम तो मन मत की छाया हो, यशस्वी भव कल्याण हो।
निकालने वाले, अपने अपराधों का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। जाओ, विधाता के दिए हुए जिस सुंदर शरीर पर तुम्हें इतना अहंकार हो गया है, वो शरीर आज के बाद तुम्हें कहीं प्राप्त हो। जया, विजया, प्रति, तुम सभी मुझे अकेले छोड़ दो। यदि वे छोड़ी थी तो मैं भी अपने निश्चय में दृढ़ हूं। मेरा निर्णय स्वयं शीघ्र नहीं बदल सकते। सेवा से नहीं कठोर तप से विवश करूंगी उन्हें मुझे अपनाने के लिए। आरंभ हुआ प्रारंभ एक अद्भुत तप का। पार्वती के कठोर निश्चय से सभी आकाशस्थ देवता भी दंग रह गए। महारानी मीना देवी की ममता भी उसके निश्चय को बिगाड़ नहीं पाई। सुंदर सुकुमारी पार्वती ने अपना राजसी वस्त्राभूषण आदि परिवेश त्याग दिया, राजमहल की सारी सुख सुविधाओं से माता तोड़ दिया, यहाँ तक कि भोजन भी छोड़कर तपोवन में उपलब्ध फलमूलों से अपनी तृप्ति करने लगे। आपको पाने के लिए पार्वती घोर तप कर रही है। उसके प्रखर तप से पृथ्वी भस्म होने का भय निर्माण हुआ है। हे शिवशंकर, पार्वती सोते जागते सब कुछ त्याग कर आपकी प्रसन्नता के लिए तप कर रही है। आप तो करना सागर है, फिर पार्वती के अनन्य भक्ति की प्रतीक्षा क्यों? समय आने पर हम स्वयं जाकर परीक्षा करेंगे। हर हर जय शिवशंकर। कंद मूलों की भी आवश्यकता नहीं रही। बिल्व पत्र खाकर ही रात्रंगीन शिव चरणों के ध्यान में समय बीतने लगा। शायद ये भी कम था तो पत्तों का सहारा भी छोड़ दिया। बिल्व पत्रों को भी त्याग कर अपर्णा पार्वती ने अपनी तपस्या और भी कड़ी कर दी। एक पैर पर खड़े होकर कभी ध्यान लगाया तो कभी पद्मासन स्थ होकर वर्षों तक प्रार्थना की। अन्य जल थल पत्र छोड़कर भी जैसे युग बीते, अब तो केवल एक ही प्यास थी, सदाशिव की प्राप्ति। प्रखर ताप, वर्षा, यह हिमवृष्टि की भी सिद्धि नहीं थी। समय बीतता चला गया पर भगवान कैलाशनाथ के दर्शन का कोई समाचार न था। आखिर कब महादेव के मन में करुणा जागेगी? कब उनके तीसरे नेत्र में प्रेम की वर्षा होगी? सभी देवता भी प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु देवर्षि का कोमल हृदय करुणा व्यापार स्नेह से भर आया। कठोर निश्चय के सामने पर्वत भी सिर झुकाएगा।
किंतु अब इस योगेश्वर का ध्यान शिव पंचाक्षरी मंत्र से करो। शिव पंचाक्षरी मंत्र कैसे? कृपया मेरी सहायता करें देवर्षि। देवी आसनस्थ होकर अपनी आंखें बंद कर लो और बोलो राजकुमारी और कहा वो पागल, उसके साथ साथ उसके घोड़े बैल और गले में सांपों से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। श्रीहरी श्रीहरी उत्तम पुरुष, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठू यहां से चले जाओ। पार्वती प्रभु क्या इच्छा है तुम्हारी? इतना कठिन तप किस लिए? देवी आप अंतर्यामी हैं, क्या आप नहीं जानती कि मेरे मन में क्या है? देवी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। सर्वेश्वर क्या मैं आपकी प्रकृति नहीं हूँ? क्या आपके उस निर्गुण निराकार स्वरूप में भी मैं समाहित नहीं हूँ? फिर योग ध्यान समाधि क्रोध की आदि मुझसे अलग रहने का अट्टहास किया? विश्व मंगल का आपका कार्य क्या मेरे बिना? मैं अति प्रसन्न हूँ शांभवी, मैं शिव तो तुम शिवा, यदि मैं रचयिता हूँ तो तुम रचना हो। सच बात तो ये है कि बिन शिवा तो शिव भी शब है। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति का तुम साक्षात्कार हो। पार्वती मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ऐसी नहीं, हमारा विवाह संस्कार अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार हो। आपको मुझे मेरे माता पिता से मानना होगा। तथास्तु देवी। पार्वती ने अनुरागी बना ही दिया, बहुत कठिन तक किया है हमारे थीम जैसी सखी ने। बधाई हो महारानी। बधाई हो। बधाई हो। चलो सखियों, समय बहुत कम है, इस
मंगल बेला के लिए और बहुत सारा काम करना है। अब सखी को ससुराल जाना है। भगवान शिव को प्रसन्न कर ही लिया, जिसमें कि पार्वती को हमने प्रजापिता से माना था, वह सफल हो गया। महाराज, विश्वकर्मा भी सभी वास्तु शिल्पकारों को इस विवाह समारोह के उचित आयोजन हेतु शीघ्र आदेश दिए जाएं। देखो कोई कमी न रहने पाए। आभूषण तो फिर क्या चाहिए?
किया था। हे भगवान, ये विवाह नहीं हो सकता। देवी, क्या हुआ? नहीं नहीं, उस भिखारी से पार्वती का विवाह नहीं हो सकता। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। देवी मैना, गिरिराज, वो भिखारी नहीं किंतु तीनों लोगों के स्वामी सबके हृदय में विराजित सुंदरानंद हरिहर हैं, जिनके लिए हम आपकी पुत्री पार्वती का हाथ मांगने आए हैं। देवी, उन्होंने तो कन्या का हाथ मांगने की रस्म अपनी अनोखी शैली में पूरी भी की। हम धन्य हुए देवर्षियों, सप्तऋषियों, भगवान शिव से प्रणाम पूर्वक कहना कि आपकी इच्छा आदर स्वीकार है। आपको वरा जाके मनोहर रूप में देखने के लिए हम अत्यंत उत्सुक हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सखियों तो नृत्य संगीत में मस्त थी, किंतु पार्वती की आंखें तो
देवी देवताओं की भव्य बारात में अपनी दिव्य कांति से शोभने वाले भगवान आशुतोष के दर्शन के लिए व्याकुल थे। विवाह के सुमधुर बंधन में बंध जाए
अपनी लीला से ही माया के अधीन हो जाएं। ज्ञान एवं वैराग्य का परम साधक, गृहस्थ जीवन का आदर्श भी विश्व के सामने अपने अनुपम आचरण से प्रस्तुत करें। यह मिलन था पुष्प से सुगंध का, आत्मा से चेतना का, दीपक से प्रकाश का, पुरुष से प्रकृति का। पृथकता तो माया थी, मिलन अनिवार्यता। आत्मा परमात्मा के मिलन का यह उन्माद चराचर को आनंद भूत कर रहा था। पराम्बा पार्वती और परमेश्वर तारों की चमकती छत के नीचे रत्नजनित मानसरोवर के तट पर मधुरज के आस्वादन में समस्त सृष्टि को मोहित कर रहे थे।
कैसे आए? जितेंद्र सर्वेश, मुझे कैसे प्राप्त हुए? हे शहरजा, हजारों वर्ष पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। बचपन से ही मुझे पाने के लिए तुमने हर संभव प्रयास किए। तुम्हारी भक्ति और दृढ़ निश्चय एवं विराटता की इच्छा के कारण मैंने तुम्हारा पति बनना स्वीकार किया, परंतु तुम्हारे पिता अपने आप को शिव से श्रेष्ठ समझती अपेक्षा अनुसार एक सभा में मैं उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ तो अपने उस अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु उन्होंने एक भव्य यज्ञ समारोह का आयोजन किया और जानबूझकर हमें निमंत्रण नहीं दिया। स्वामी, मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पिताश्री के घर यज्ञ है और एक हमें छोड़ सभी को निमंत्रण है, क्या हम वहां नहीं जाएंगे? सभी दक्षराज मुझसे शत्रुता की भावना रखते हैं। उन्होंने अहंकार वश व प्रतिशोध की भावना से इस यज्ञ का आयोजन किया है, अतः मेरा वहां जाना ठीक नहीं। किंतु बिना आपके ये यज्ञ कैसे हो सकता है? नहीं, उन्हें रोकना होगा। अब तो मैं वहां अवश्य जाऊंगी। सभी हो सकता है दक्षराज तुम्हें कुछ कहकर दुखाए, परंतु क्रोधावेश में ना आना। नंदी, श्रृंगी, अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कुछ गणों के साथ शीघ्र प्रस्थान करो। जो आदेश महादेव, जय शिव शंकर। निमंत्रण यहाँ आने का कारण? पिताश्री, मैं यहाँ यज्ञ में भाग लेने नहीं, अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने आई हूँ। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं। बाध्य होना पड़ेगा पिताश्री, अन्यथा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। बताइए, यह सभी का आसन व व्यवहार है, किंतु जो स्वयं यज्ञ स्वरूप आदिदेव है उनका आसन व अभिभाग कहाँ है? जिनके बिना यज्ञ पवित्र नहीं होता उन्हें तो निमंत्रण न देने का अपराध आपने कैसे किया पिताश्री? जिसे आमंत्रित किया जाता है उसी का आसन और भाग रखा जाता है, और जो स्वयं अपवित्र है वो मेरे यज्ञ को क्या पवित्र करेगा? उसे तो हमने यज्ञ से बहिष्कृत किया था। किस अधिकार से? प्रजापति के अधिकार से। किसने दिया ये अधिकार? प्रजापति दक्ष, यदि इस यज्ञ को संपन्न करना चाहते हो तो सम्मान से विश्व कल्याणकारी महादेव को ले आओ। नहीं, कदापि नहीं। उपस्थित सभी ऋषियों देवताओं, इस अभागी पुत्री के अघोरी धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट श्मशानवासी पति को हम इस पुण्यज्ञ सभा के लायक नहीं समझते। मत करो मुझे पुत्री। सभी ध्यान से सुने, उस असभ्य नंगे भिखारी को तो हमने पहले ही बहिष्कृत किया था। अब हम घोषित करते हैं कि आज से यह भ्रष्ट श्री जो उस पागल की पत्नी है हमारी पुत्री नहीं कहलाएगी। धिक्कार है इस पिता का जो अपने अहंकार में अंधा होकर प्रत्यक्ष भगवान की निंदा कर रहा है। धिक्कार है इस यज्ञ का जहाँ प्रत्यक्ष यज्ञेश्वर शिव का अधिष्ठान ना हो। धिक्कार है ऐसी सभा का जो लालच और भय के वश होकर अधर्म का समर्थन कर रही है। शिव निंदा करने वाले तुम्हारे असत्य अमंगल शब्दों से मैं अपवित्र हो गई। मैं यहां रह सकती हूँ, मैं कैलाश जा सकती हूँ। योगाग्नि में यही आत्मदाह कर लूंगी मैं। ऐसे घर में जन्म दूंगी
जहां अपने पिता का आदर कर सकूं। किंतु दक्षराज जिस देवाधिदेव की निंदा की है उसी की शरण तुम्हें लेनी पड़ेगी, तब तक तुम तड़पते रहोगे। मेरी माँ का अपमान करने वाले शिव निंदक, तुम्हारे अपराधों का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब मुकाओं का जीवन पर अपनी भूल कर तुम प्रायश्चित करोगे। हाँ।
गई है और जिसने सिटी को उठाकर पृथ्वी की अनेक बार प्रदक्षिणा की, वह शिव मैं हूं। इस प्रकार आत्मदाह के पश्चात भी मुझे पाने की सती की तीव्र इच्छा सत्य क्या तुम्हारे प्रखर पद से तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। हे शिव शंकर, सती के जन्म से पहले मैं कहा थी, हे त्रिपुर सुंदरी, शिव चराचर को धारण करता है, उस शिव की तुम शक्ति हो। तुम और मैं एक शिव तत्व के ही दो विग्रह हैं। शिव सती भी है। देखो पार्वती, शिव शिवा के अवेद का साक्षात्कार। Oh, my God.
all the characters and dancers and everybody who was involved, they deserve a very big round of applause once again. I would be failing in my duty if I don't introduce the characters to you. First on my list is Neha Kedia as Shiv, our cultural captain, setting examples for her juniors. She's the cultural captain of the school and she has played the lead role in the play. Radhika Goyal as Parvati. Samriddhi Dhillon, Sati. Asta Jain as Ardhanarishwar, the last scene. Akriti Drolia, Shivji as a beggar. Purti Soni, Shivji in disguise. Chandra Prabha Singh, young Parvati. Supriya Ranavat, Himalaya. Prakriti Agarwal, Maina Devi. Navadipa Talukdar, Daksh. Rajvi Shukla, Rati. Anchal Chavla, Kamdev. Manya Agarwal, Nandi. Ayushi Jalan, Shringi. Shraddha Bhateja, Basant. Ramanpreet Sandhu, Narad. And Sonia Sethi, Brahmaji. Sakhis, Ananya Arora, Jaya. Vini Mahajan, Vijaya. And Pooja Daroka as Sabya. May I request the backstages to please open the brown curtain and close the blue curtain. All these are the main characters of the play. Apart from this, we had Nagarjans, Ganas, Saptarishis and other gods and dancers. It is not possible to call everybody on the stage. Approximately 150 children were participating in this play itself. Team of directors, first on my list, and without her, this play would have not been possible. I would like to invite Sadhvi Abha Saraswati ji to on the stage. Without her support, guidance, and expert direction, this play would have not been possible. Sadhvi Abha ji. Mr. G. Sharma. Mr. S. Gaikwad and Mrs. V. Soumyashri Pawar, they were all directing the play. And choreographers, Mrs. C. Roy and Mrs. S. Jaiswal. Please come up on the stage. Our both the dance teachers, they might be busy collecting costumes the backstage. Light and sound, Mr. E. George, Mr. S. C. Rajput, but not to forget about the beautiful lights which you have seen just now is all because of modern stagecraft, New Delhi. Sitting right behind there, Mr. Sharad, on behalf of Mr. Wadva, one of our parents. Students who are involved for lighting sound, Suchetna Sajdeva, Megha Shrestha, Megha Ashna Singh, Ritu Agarwal, Asti Jain, Richa Kejriwal, Monika Agarwal, Namrata Agarwal. In backstage, Mr. G.C. Unial, Mrs. P. Kaushik Sharma and Ms. A. Sharma, they're never seen in front. Please come up on the stage. You've done an excellent job putting up all the props right on time in between the scenes. Please come forward. The backstage, helped by the students Unnati Sachdeva, Komal Malu, Riya Jain, Milan Sancheti, Sumita Sandhu, Neha Saraogi, Kajal Nagpal, Shivani Juria, Anshul Gupta, Pooja Agarwal, Daman Pint Sandhu and Neha Shrestha, a big team. With them, music, not to be forgotten, the excellent music which was just now you have heard. Music coordination by Mr. B. Shinde, our head of the Department of Music. Mr. B. Shinde, you please come forward. Instrumentalist sitar, Mr. Agni Verma. Violin, Mr. B. Chavar. Tabla, Mr. Pandurang Pawar. Nalan Pakhavach, Mr. S. Gaikwad. Keyboard, Mr. B. Shinde. Flute, Mr. Ravi Shankar, and octopad, Mr. Raj Agrahari. Please come up on the stage. Computer support, Mr. V. Chamoli, Mr. P. K. Shivastav, and Mr. G. Sharma.
backdrops and props, the beautiful props which you can see on the stage, Mr. G. Datta and Mr. J. Banerjee. If you're there in the auditorium, please come up. Voiceovers which are not seen. Shiv, Mr. G. Sharma, Parvati and Sati was done by Sadhvi Abaji herself. Brahma Ji, Mr. J. K. Mazumdar, Narad, Mr. R. Devrani, Daksh, Mr. S. Gayakwad, and students, Monica Kumari, Asta Kharbanda, Soumya Agarwal. All voiceovers, please come up on the stage. All teachers and students. Not to forget about the singers, those who are sitting right behind there, those who are singing day in and day out. I was seeing them practicing for last 15-20 days regularly. Please come up one by one. Shani Agarwal, Priyanka Talukdar, Shubhangi Garg, Rishi Malhotra, Pramukta Maheshwari, Sai Shriya, Vidisha Singh, Kifana Bora, Simran Verma, Preksha Jain, Mohak Singh, Utsa Patra, Shriya Gatiwal, Shurbi Agarwal and Gurbik Sadhu. Well done girls, you've done an excellent job. Big round of applause for them. They were the backbone of the play. Costume and makeup was done by entire MIS staff, and I thank everybody, those who were involved with this play, and not only this play, with the Founders Day, our entire MIS family. We have been working very hard to put up this show, and I hope that all of you have enjoyed this evening. I once again thank all the guests, those who arrived here, and those who have given their precious time to be with us and to enjoy with us this tonight. Thank you. We'll please rise for the national anthem.